ऑफ बीट नेपाल का अपना सीरीज है तो ऑफ बीट लोकेशन ढूंढ लेंगे। आगे का डिस्क ब्रेक थोड़ा हल्का हल्का नहीं लग रहा था, ड्रोन ऑलमोस्ट मैंने अभी क्रैश करवा ही दिया था, ऑलमोस्ट उनसे ना हो पाएगा यहाँ पे ड्रोन उड़ाना। मुझे क्या क्या दिलवाएगा तू, शॉपिंग करवाएगा? तो पहले 20 रुपए की चिप्स से चालू किया शॉपिंग। कती भाई केवड़ा को 25, केवड़ा को 25, फुल रेडी, मैं इनका भी फुल रेडी होके हम पधार चुके हैं शॉप में अपने। एंड आज हम लोग निकलने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, छोटा ट्रिप होगा, छोटा 3-4 दिन का, बट मैं और विकी निकल रहे हैं। मेनका नहीं निकली क्योंकि शॉप में मेनका को रुकना है। हाँ मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसा मुंह बनाई, उसको आने का मन है मगर ऑप्शन नहीं है। तो आज जो सफर है वो शुरू होने वाला है काठमांडू से, एंड विल बी गोइंग टुवर्ड्स बंदीपुर विच इज अप्रोक्स 150 किलोमीटर्स फ्रॉम काठमांडू। सीनिक ब्यूटीफुल रोड वोड होगा, मजा आने वाली है। विकी गया पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल वेट्रोल भरवाएगा उसके बाद आएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है दिल एंड हैप्पी एवरीवन गाइस। बाइक ले जाने का कोई प्लान नहीं था, होंडा शाइन है अभी विकी के पास, उसमें जाएंगे हम लोग दोनों लोग। कैसे जाएंगे पता नहीं, अभी सामान भर भर के। इस बैग में ना सिर्फ लैपटॉप, ड्रोन, कैमरा वो सब है। ये एक ही बैग इतना वजन हो चुका है, वजन हो चुका है, एंड दूसरा वो कपड़े वाला बैग है। तो अभी फिलहाल कैरी कैसे करेंगे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। बाइक कहाँ है अपनी, रेडी होंडा शाइन कहाँ है? पार्किंग में लगा हुआ है। अच्छा पार्किंग में लगा हुआ है। मैंने ड्राइवर को चाबी दी है। ड्राइवर को चाबी दी है? हायाबुसा, हायाबुसा लेके आया बोले ड्राइवर। और मैं जाएगी, विकी नहीं आ रहा है। चलो निकलते हैं, दो दिन के बाद मिलते हैं शॉप को। बाय बाय। और मेनका को भी बाय बाय बाय। दो दिन का मिलते हैं, दो दिन के बाद मिलते हैं, तुम लोग खूब एंजॉय करके फिर हम लोग दूसरा ट्रिप मारेंगे। हाँ उसके बाद ट्रिप है अभी, छोटे मोटे मेनका रहेगी साथ में मगर इस वाले में नहीं है। फिलहाल आ चुके हैं काठमांडू से थोड़ा आगे, कहाँ पे? नागडुंगा क्रॉस किया जस्ट। नागडुंगा? यप, नागडुंगा क्रॉस किया अभी, एंड जाम लग गया, जाम, नेपाल की सड़कों का जाम है ये। हमें ब्रेड लेके चलना चाहिए। हम लोग 11 बजे करीब निकले, अभी बज रहा है 11:30 11:15। जाम देखते कितना लंबा इधर से, वो रोड पे जाम है अभी, ये वाले, पहले ये रोड पे था अभी वो रोड पे। तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी बाइक को थोड़ा चेकिंग करवाने रुके थे। आगे का डिस्क ब्रेक थोड़ा हल्का हल्का नहीं लग रहा था, तो लगा कि उसका ऑयल खत्म हो गया, पर ऑयल था उसमें। थोड़ा डिस्क ब्रेक वगैरह टाइट करवाए। पानी, पानी का बॉटल दीजिए। चीसो? हाँ चीसो, चीसो मतलब ठंडा पानी भी। गर्मी है यार। चले चुके भाई, और लो दो और दीजिए। कती भाई? केवड़ा को 25। केवड़ा को 25। एनर्जी का काम करेगा अभी, दो खाएंगे तो पेट भर जाता है। मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ विकी बैठेगा, विकी बैठेगा। अब तो विकी चला रहा था, मैं देख रहा था, अब हम चलाएंगे, तुम देखना। हम चलो, हम ही राखचू 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 राखचू। बाइक पे मिलते हैं, बाइक पे, बाइक पे नहीं, गोप्रो नहीं है अपने पास, जहाँ स्टॉप लेंगे वहाँ पे मिलेंगे। तो एक बीच में स्टॉप लिया है ऑलमोस्ट, अभी वहाँ से 30 किलोमीटर और चला लिया, 30-40 किलोमीटर और चला लिए शायद, अभी टोटल 80-90 किलोमीटर हो गया है। एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में रुके, देखो पीछे देखो, बहुत ब्यूटीफुल है यार, ये देखो फुल ओपन, मजा आ रही है, मगर पटरी भी है क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है एंड हिलता बहुत है, ये देखो ऐसा ऐसा करेगा तो हिलता ही है। एंड यहाँ से ना ड्रोन शॉट लेने का ट्राई करते हैं, क्या देखो वहाँ पे वो देखो उसका पर्सनल प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट, ड्रोन शॉट लेते हैं, ड्रोन शॉट में ये सब कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अच्छी बात ये है कि अपना जो मैविक मिनी है वो 15 मीटर्स के ऊपर यहाँ पे उड़ सकता है, मतलब यहाँ पे उसको 150-200 मीटर ऊपर भेज सकते हैं। इंडिया में नहीं जा रहा था पर नेपाल में अपन, तो नेपाल में भेजेंगे ना इसको। अच्छा भेजते जा रहा, भेजते ड्रोन, देखते कैसा शॉट आता है। तो ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया मगर भाई नहीं हो पाया, हमसे ना हो पाएगा यहाँ पे ड्रोन उड़ाना क्योंकि बहुत हवा चल रही है। ड्रोन ऑलमोस्ट मैंने अभी क्रैश करवा ही दिया था, ऑलमोस्ट मतलब उतना दूर भेज दिया तो नीचे नीचे उतर आता, अगर वो पानी में उतरता
तो खत्म कहानी। और फिर ये भी एक प्रॉब्लम है, लैंड करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसको, लोग कंटिन्यूस आते जा रहे। वहाँ जाके हमने लैंड करवाया और ड्रोन मेरे को लग रहा है ना ऐसे ऐसे नाच रहा है, ऐसे 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 नाच रहा है हवे में। तो भैया ड्रोन उड़ाने का पहला अटेम्प्ट फेल हो चुका है, अब दूसरा अटेम्प्ट करेंगे आगे कहीं पे। अब आगे सेफ जगह पे उड़ा के देखते हैं, अगर ठीक ठाक उड़ा तो बढ़िया, वरना तो मेरे को लगता है ड्रोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइस वी आर एट मुगलिंग, यहाँ से अभी 30-35 किलोमीटर और है आगे जाने, बहुत आराम से जा रहे हैं। होंडा शाइन है अपने पास, मुस्तांग वाली होंडा शाइन है। तो अभी आराम से जा रहे एकदम। यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोग पोखरा की तरफ जा रहे थे तो यहीं पे रुके थे। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड बहुत ब्यूटीफुल सा एकदम व्यू है जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी हिल रहा है तो ड्रोन तो फिर छोड़ ही दो, है ना। ड्रोन तो छोड़ ही दो, थोड़ा रियलिज्म थोड़ा एक्टिंग हो रहा है पर हिल रहा है यार। हवा चल रहा है, हवा अच्छी खासी चल रही है, देखो इससे पता चलेगा आपको। तो अभी थोड़ा बैठेंगे, हवा हवा का आनंद लेंगे। ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ा सकते क्योंकि भाई बहुत जोरदार हवा है, क्यों रिस्क उठाने का, अभी और बहुत उड़ाना बाकी है। तो यहाँ पे सिनेमेटिक देखो, फिर आगे निकलते हैं हम लोग। तो फाइनली इट इज 5 o'clock एंड वी हैव रीच्ड बंदीपुर। पूरा धूल धूल धूल, बहुत धूल है यार, बहुत धूल, मगर ब्यूटीफुल जगह है, लोकेशन देखो बहुत ब्यूटीफुल है। पूरा ओपन स्पेस है, यहाँ से जो होटल हमने बुक किया है हिमालयन गेस्ट हाउस करके नाम है होटल का, 1000 rupees में हम लोग को रूम मिल गया फॉर वन डे। रूम अच्छा है, बस एक बेड और वहाँ पे बाथरूम, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए रूम में। अभी थोड़ा निकलते हैं बाहर, मार्केट वगैरह घूमते हैं। यहाँ पे बंदीपुर का मार्केट है, 8-9 बजे तक ही चल रहा था, उसके बाद बंद हो जाएगा। हाँ 9 बजे तक। क्या है मार्केट? पोखरा से 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे सब बढ़िया है मगर एक ही प्रॉब्लम है, पार्किंग का। पार्किंग नहीं मिलेगा आपको, पार्किंग अगर कोई अच्छे होटल में बुक करोगे ना तो पार्किंग होटल में ही मिल जाएगा, मगर जैसा अभी विकी ने पार्क किया ना वैसा थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। मगर मोस्टली अगर आप जाओगे ना तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल नहीं, बाइक अलाउड नहीं है ना, मार्केट के अंदर बाइक अलाउड नहीं है। पार्किंग यहाँ पे, ये पार्किंग एरिया है, तो सारी बाइक्स कार्स पार्किंग यहाँ पे होगी, उसके बाद आप चल के जाओगे मार्केट। तो हमने सोचा कि यही पे होटल ले लेते, बाइक सेफ रहेगा। मार्केट के अंदर रूम बुक किया तो ऑप्शन ही नहीं ना पार्किंग का, यही ऑप्शन है ना। खाली हुआ टाइम पास, भूख लग रही है। ये है बंदीपुर का मार्केट, मार्केट में आएगा। मार्केट में तुझे क्या क्या दिलवाएगा तू, शॉपिंग करवाएगा? तो पहले 20 रुपए की चिप्स से चालू किया है शॉपिंग। मार्केट चालू होते 20 का खर्चा। गोवा भी है इधर, गोवा 2060 किलोमीटर, और न्यूयॉर्क है आपका 12.058 किलोमीटर। गोवा का लेना, ये गली पकड़ने का लिखा है ना इधर गली। यहाँ पे स्पेशल क्या है, तू आया ना पहले, क्या है स्पेशल? लोनलीनेस, मज़ा आता है यहाँ पे, मज़ा है एकदम, इन्जॉय कर रहे। मतलब यहाँ पे ना नेवारी कल्चर मिक्स है, और नेवारी कल्चर और फॉरेन कल्चर हम लोग का यहाँ पे मिक्स है। काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे लगता है कि हम एक कोई सदर्न सर्टन पार्ट ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम कहीं आ गए हैं सर। हाँ देखिए, हाँ यूके उत्तराखंड स्ट्रक्चर, द लाइट यू कैन सी हियर। डिफरेंट ऑफ बीट नेपाल का अपना सीरीज है, तो ऑफ बीट लोकेशन ढूंढने के वहाँ पे नहीं जहाँ पे सब लोग जाते हैं, वहाँ पे जहाँ कोई नहीं जाता बट वो जगह अच्छी है, जगह अच्छी है जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, इसीलिए हम लोग आए हैं इस वाले पूरे सीरीज में, ऐसी जगह ढूंढ के निकालेंगे। फ्राइड राइस मोमो खा
खाना वाना खा के मस्त आ गए हम लोग अपने रूम पे। बट एक ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये कि पूरे बंदीपुर में आज लाइट नहीं है, नो लाइट। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्वर्टर, ये जल रहा है। ये देखो पूरा बंदीपुर अंधेरे में। ये देखो जो भी दिख रहा है वो स्ट्रीट लाइट है। और आज ही के दिन ऐसा हुआ, बहुत हवा भी चल रही है। सोने पे सुहागा मौका मिला, सोने पे सुहागा। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कैसे लग रहा है देखो? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मस्त, फंटेस्टिक। बिना लाइट के कैसे, बिना लाइट के कैसे लग रहा है? लाइट नहीं है, लाइट ना होने से थोड़ा सा मजा गिर गिरा हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ बंदीपुर में। नाइट इट्स रियली फैबुलस, मार्केट वगैरह बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगता है। तो एनीवेज इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, ज्यादा लंबा खींचते नहीं इसको क्योंकि कुछ है नहीं अभी दिखाने लायक, सब अंधेरा अंधेरा है। पर इस टाइम पे इन दिस व्लॉग आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू एट द टाइम एंड मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर। ये आजकल उड़ रहा है, मचाते मचाते उड़ रहा है भाई।